अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, काश्तकार भाई आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये देखें कि ये साइलेज बन रहा है, और साइलेज जब बन कट के आ जाता है और तो इसकी पैकिंग किस तरह होती है, और दूर दराज इलाकों के लिए या मुल्क बाहर कैसे जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी मशीन है। ये देखें, ये एक फुहारा लगा हुआ है जो यूरिया इंजेक्ट कर रहा है। ये इस मतलब कि इस जगह ट्राली आके साइलेज को नीचे गिरा देती है, और जो चेन है उसको थोड़ा थोड़ा लेकर आगे मशीन के अंदर ले जाता है, जिसके अंदर इसकी प्रेसिंग होती है। इस जगह पे प्रेसिंग होती है। इस जगह से प्रेसिंग होकर इस जगह पर आ जाती है साइलेज जो रोल बना हुआ था। अभी आएगा, आपको दिखाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा इंतज़ार होता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा साइलेज आ रहा होता है, वो प्रेसिंग होकर बहुत बड़ा रूला बनता है। तो ये देखें, बनकर नीचे आया है, और ये जो ट्रैक्टर है इसको उठाकर पीछे वाली जगह पर रखेगा ताकि उस जगह पर लोडिंग करने के लिए आसानी हो। सो अब हमारा बनकर तैयार है रूला। ये अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सो कट करो, ये देखो, ये अब जो कट है साइलेज की वो बनकर तैयार है, लेकिन इसको शॉपर के लिए रैपिंग करने के लिए आगे आएगी, तो ये शॉपर की रैपिंग शुरू हो जाएगी। कमाल, ये दोबारा वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको सही तफसील से दिखा सकें। अब ये बन रहा है, और ये थोड़ा सा पीछे आएगा दोबारा गट बनी हुई। ये सारा वाला काम खराब है, मैं इसको सब कर देता हूँ। सो ये पीछे आ गया, अब इसकी रैपिंग होगी छापर के साथ। इसके बाद ये तैयार हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। सीधा एक्सपोर्ट आप बाहर लेने के लिए भेज सकते हैं इसको, लाहौर, कराची, दूर दराज इलाके, जिस जगह पर चारा मौजूद नहीं होता, या चारा का सोर्स दूसरी तरह से नहीं होता, तो इसलिए हमारा साइलेज यूज किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।